यस, गुड मॉर्निंग चेतना जी। चलिए अपने क्लास शुरू करते हैं, बाकी लोग अपने आप आते रहेंगे। एक मिनट। ओके, बोर्ड पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? एक मिनट मैं देख लूँ। आज क्या है अपना मेंटेनेंस? ठीक है, फाइन। कल हम अपना सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर उसके बारे में खत्म कर चुके हैं कि जो सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है वो कौन से सेक्शन से लेके सेक्शन 106 से लेके 124 तक वो चलता है। ठीक है, प्री के हिसाब से बात करें तो उसके जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 106 टू 110, उसके अलावा 116, उसके अलावा 119, 20 और 22। ठीक है, ये कुछ सेक्शन है जो उसके इम्पोर्टेंट है। आज अपना टॉपिक है मेंटेनेंस ऑर्डर। सीआरपीसी के अंदर अगर बात की जाए तो एक कंसेप्ट है ये मेंटेनेंस ऑर्डर का। ये हमें बताएगा कि भाई अगर कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर करना चाहती है तो क्या ग्राउंड पे कर सकती है, किसके खिलाफ ये ऑर्डर होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मान लीजिए इस ऑर्डर की पेमेंट नहीं होती है, मान लो ऑर्डर फॉलो नहीं होता है, तो क्या पेनल्टीज वगैरह लग सकती हैं। कुछ तो ये बेसिक बातें हो गई। फिर उसके बाद इसका प्रोसीजर बताया हुआ है, प्रोसीजर के अंदर कि भाई कहाँ पे केस होगा, कहाँ पे केस नहीं होगा, एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होगा, वो कुछ बातें हैं। एंड उसके अलावा एक बात ये है कि ये ऑर्डर अगर मान लीजिए कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया है तो ये ऑर्डर कैंसिल कब हो सकता है, ये ऑर्डर में चेंजेस कब हो सकते हैं, ये कुछ दो तीन बातें हैं। बहुत बेसिक बातें हैं इसके अंदर, इतना ही अपने लिए जानने लायक इसके अंदर जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये देख ले कि ये सेक्शन कौन से हैं। अगर हम बात करें मेंटेनेंस ऑर्डर, सेक्शन 125 टू 128, ये इसमें इतने ऑर्डर है। ठीक है, ये इतने सेक्शन है, 125, 26, 27 और 28 मेंटेनेंस ऑर्डर के अंदर हमारे लिए इसके अंदर जानने लायक। अब ये होता क्या है ऐसा इसमें कुछ नहीं बताया। होता क्या है, सिंपल सी बात है भाई, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसके ऊपर ड्यूटी है किसी का खर्चा उठाने की। ठीक है, मान लो सब फॉर एग्जाम्पल, जो हम बेसिक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हस्बैंड वाइफ, कि भाई हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो अपनी वाइफ का खर्चा उठाए। अब वो उसका खर्चा नहीं उठा रहा है, लाइक उसको बोले कि उसको मेंटेन नहीं कर रहा है, तो कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकती है कि आप उसको उसकी जो नेसेसिटीज का जो खर्चा है, जो एक डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ जीने का जो खर्चा है, वो आप उसको उतना पैसा दीजिए। ये होता है मेंटेनेंस ऑर्डर। ये डिफाइंड नहीं किया गया है सीआरपीसी कि ये क्या होता है। सीआरपीसी ने हमें बता रखा है कि ये किसको मिलेगा और कब मिलेगा, ये हमारे को इसने बता रखा है। तो सबसे पहली बात तो अपने को क्या देखना है,
जो सेक्शन 125 के अंदर जो बात आती है कि ये किसको मिलेगा, 125 का जो मेंटेनेंस ऑर्डर है वो किन किन लोगों को दिया जा सकता है, ये 125 जो है वो किन किन लोगों के बेनिफिट के लिए है। सबसे पहला तो जो है वाइफ अनेबल टू मेंटेन, ये ध्यान रखना भाई। अब मान लो हस्बैंड 50,000 रुपए कमा रहा है, वाइफ भी 50 नहीं तो 50 से ज्यादा कमा रही है ये मान लो, या फिर 50 से कोई 10-15 हजार कम भी कमा रही है, ठीक है भाई। मान लो हस्बैंड 50 कमा रहा है, वाइफ 30 कमा रही है, या उल्टा वाइफ वाइस वर्सा बोल दो कि हस्बैंड 30 कमा रहा है, वाइफ 50 कमा रही है। अब यहाँ पे वाइफ को हस्बैंड का वो नहीं है कि अगर वो मुझे खर्चा देगा तभी मैं अपने आप को मेंटेन कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद कमा रही है, खुद का खर्चा वो खुद उठा सकती है। यहाँ पे सेक्शन 125 इस वाइफ को, अगर इन केस जो वाइफ है वो कमा रही है, उसको किसी भी तरह की मेंटेनेंस नहीं देगा, उसके बेनिफिट के लिए सेक्शन नहीं है। ये सेक्शन उस वाइफ के बेनिफिट के लिए है जो वाइफ अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है, ठीक है। उसी की तरह, एक तो वाइफ हो गया, उसी की तरह और जो लोगों को लगेगा, माइनर चाइल्ड, किसी का कोई बच्चा है जो माइनर है। अब वो बच्चा चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, चाहे इलेजिटिमेट हो मतलब कि चाहे जायज बच्चा हो चाहे नाजायज बच्चा हो, ठीक है। चाहे तो मतलब एक वैलिड मैरिज से बच्चा हुआ हो, चाहे बिना शादी के बच्चा हुआ हो, इन दोनों को उसको मेंटेन करना पड़ेगा। यहां भी कंडीशन ये रहेगी कि भाई अनेबल टू मेंटेन, ये भाई अब बच्चा मान लो खुद ही कमा रहा है, या बच्चे के खुद के नाम से इतनी प्रॉपर्टीज हैं कि उसको कोई मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं है, तब नहीं लगेगा। बच्चे के पास कुछ नहीं है, बच्चा खुद कुछ नहीं कमा रहा है, तब ये लगेगा, ठीक है, माइनर चाइल्ड। अब आ जाओ तीसरा, मेजर चाइल्ड। माइनर मेजर क्या होगा, अगर सिंपल सी बात बताऊं तो 18 साल, मेजर 18 साल, ठीक है। मेजर चाइल्ड का क्या कंसेप्ट है, मेजर चाइल्ड के अंदर भी दो कंडीशन है, चाहे वो लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, एक बात ये याद रखना। मेजर चाइल्ड के अंदर कंडीशन बदल जाती है। मेजर चाइल्ड में क्या है कि ये मेजर चाइल्ड ड्यू टू फिजिकल और मेंटल इनएबिलिटी अनेबल टू मेंटेन इट्सेल्फ, इसके अंदर मैरिड डॉटर नहीं आएगी किसी भी कंडीशन में, ये एक चीज है। अब ये मेजर चाइल्ड वाला कंसेप्ट क्या है कि मान लो कोई बच्चा है जो 18 साल से ऊपर है, तो उसका तो जनरल रूल 125 बोलता है कि भाई जो कि आप मेजर हो गए हो तो अपना खर्चा खुद उठाओ, 18 साल से ऊपर हो गए हो अपना खर्चा खुद उठाओ, हम जो है आपको मेंटेनेंस नहीं दिलवाएंगे। पर अगर मान लीजिए आप फिजिकली या फिर मेंटली इंजर्ड हैं कि भाई फिजिकली आप इनकेपेबल हैं पैसा कमाने के, या फिर मेंटली इनकेपेबल हैं अपने आप को मेंटेन करने के, तब हम आपको इसके अंदर मेंटेनेंस दिलवा देंगे। उसके अंदर भी मैरिड डॉटर को जो मेजर हो चुकी है, 18 साल से बड़ी हो चुकी है, अगर उसकी शादी हो गई है तब यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि ये वाला जो मेंटेनेंस है मैरिड डॉटर का, ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि मैरिड डॉटर का मेंटेनेंस उसके माँ बाप से नहीं मिलेगा। शादी हो गई है आप वाइफ में कवर हो गए, शादी होते ही आपका यहाँ स्टेटस वाइफ का हो जाएगा, आप अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लो। ये मैरिड डॉटर का यहाँ मतलब क्या है कि भैया आप मेजर हो गए हो, लड़की हो, शादी हो गई है, आप वाइफ वाले स्टेटस में मेंटेनेंस लोगे, डॉटर वाले स्टेटस के अंदर अपने माता पिता से मेंटेनेंस नहीं ले सकते हो। उसके अलावा चौथा, चाहे फादर हो
चाहे मदर हो, जो अनेबल टू मेंटेन है। ये चार है, जनरली ये चार है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, वहां पे ग्रैंड पेरेंट्स को भी बोला गया है कि फादर मदर को तो आपको मेंटेन करना ही होगा, अगर दादा दादी हैं वो भी अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी करना होगा, पर अपने राजस्थान में ऐसा नहीं है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। तो सबसे पहले ये देख लो कि ये जो मेंटेनेंस ऑर्डर है ये है किन के लिए। वाइफ के लिए तो है ही है, पर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये जरूर होनी चाहिए। अगर वाइफ अपने आप को मेंटेन कर सकती है, ऑर्डर नहीं लगेगा। उसके अलावा देख लो माइनर चाइल्ड, इसमें माइनर चाइल्ड में चाहे वो जायज बच्चा है चाहे नाजायज बच्चा है, ये जो कंडीशन है कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता, ये इसमें भी होनी चाहिए। तीसरा मेजर चाइल्ड, जायज है या नाजायज है कोई मैटर नहीं करता, ड्यू टू फिजिकल है, बस इतनी कंडीशन यहां पे ये इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए कि भाई वो मेजर है। तो जनरल रूल तो क्या है मेजर चाइल्ड का, कि मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। जनरल रूल क्या है, मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। पर अगर मान लो किसी फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से या मेंटल प्रॉब्लम की वजह से वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तब जो है उसको मेंटेनेंस मिल जाएगी। चौथा फादर और मदर, ये चार है। अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन बता देता हूँ, लेजिटिमेट इलेजिटिमेट चाइल्ड का, और क्वेश्चन आता है ये ड्यू टू फिजिकल या मेंटल इनेबिलिटी वाला। वो हमसे ये पूछ लेता है वेदर एज ए जनरल रूल ए मेजर चाइल्ड इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। नो। वो अपने से ये पूछ लेता है ए माइनर चाइल्ड इज एंटाइटल टू मेंटेनेंस इफ ही, मतलब ही बोल देगा शी बोल देगा, इज ए लेजिटिमेट चाइल्ड। ऑप्शन बी इफ ही इज एन इलेजिटिमेट चाइल्ड। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी बोथ, चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो कोई मैटर नहीं करता, माइनर चाइल्ड है मेंटेनेंस मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको लिखना है लिख लो, फिर अपने आगे चलते हैं। लो भाई अब आ जाओ, ये अपने लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस सेक्शन की वो तो ये थी। अब इसके ग्राउंड्स क्या है, मेंटेनेंस कब मिलेगा, उसके क्या ग्राउंड्स है। ग्राउंड्स, ग्राउंड्स सबसे पहला पर्सन हैव मींस टू मेंटेन, दूसरा रिफ्यूजेस और नेगलेक्ट्स टू मेंटेन, तीसरा कोर्ट में ऑर्डर मेंटेनेंस, कोर्ट में ऑर्डर मेंटेनेंस। ये दो बातें होनी चाहिए। सबसे पहली बात, जैसे मान लो अपने अपने एग्जांपल लेके चलते हैं, हस्बैंड वाइफ का। वाइफ कोर्ट में जाती है कि सर मुझे मेरे पति से मेंटेनेंस दिलवा दो। पति के पास, खुद के पास पैसा नहीं है, खुद का खर्चा उठाने का, वो वाइफ का कहां से उठा लेगा। वहां पे कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। पति कहता है सर मेरे पास है ही नहीं।
आप पता कर लो, मेरे पास ना प्रॉपर्टी है, ना मेरी कोई कमाई है, ना कुछ है। पहली चीज कि भाई उसके पास मींस होना चाहिए, उसके पास या तो वो कुछ कमा रहा हो या उसके पास कोई प्रॉपर्टी हो, जो प्रॉपर्टी में से आपको आधा हिस्सा दिलवा दें, कुछ ऐसा करवा दें। उसके पास अगर कुछ ही नहीं है, हम मेंटेनेंस दिलवाएंगे कहाँ से? तो पहली बात मींस होने चाहिए, उसके बाद होनी चाहिए दूसरी बात कि भाई उसके पास पैसा है मेंटेनेंस मेंटेन करने का, ठीक है, मेंटेनेंस देने का, बट फिर भी या तो वो एक्सप्रेसली मना कर देता है कि मैं तो नहीं दूंगा, या फिर उसकी हरकतें ऐसी हैं कि वो देता ही नहीं है। हाँ आजकल ठीक है 10 10 दिन घर नहीं आता है, ठीक है, घर का कोई ध्यान नहीं रखता है, ऐसा कुछ, या तो वो मना कर देता है या फिर नेगलेक्ट करता है, नेग्लिजेंस जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों कंडीशन होनी चाहिए कि भाई उसके पास पैसा मेंटेनेंस देने का पैसा भी होना चाहिए, और पैसा होने के बावजूद वो रिफ्यूज अगर कर रहा है तब जो है कोर्ट ऑर्डर कर देगी। यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, कौन सी कोर्ट मेंटेनेंस ऑर्डर करेगी? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। आप जब जज बनोगे आप मेंटेनेंस ऑर्डर कर सकते हो, तो ये ध्यान रखना। वो बकायदा पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट हैज पावर टू ऑर्डर मेंटेनेंस। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मेंटेनेंस का ऑर्डर, मेंटेनेंस का केस किसके पास आएगा? आपके पास आएगा। ये ग्राउंड है, क्या दो बातें हैं, और कोर्ट ऑर्डर कर देगी। कौन सी कोर्ट करती है इसमें? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। बस एक चीज याद रखने ना, मेंटेनेंस हमेशा मंथली होता है, हमेशा मंथली अलाउंसेस दी जाती हैं इसमें, मंथली अलाउंसेस दी जाती हैं इसमें, ये ध्यान रखना, ठीक है। मेंटेनेंस में मंथली अलाउंसेस दी जाती हैं। कोई भी डाउट अभी तक? मेंटेनेंस क्या ग्राउंड्स होते हैं, मेंटेनेंस किसको मिलता है, ये अपने ने देख लिया है। अब हमारे जो धीरे धीरे बातें आएंगी, ऑर्डर इश्यू होता है, ऑर्डर कब फोर्स में आएगा, ऑर्डर अगर मान लो किसी ने उसको मान लो मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ, उसने अगर मान लो पैसा पे नहीं किया तब क्या होगा? लो भाई अब देखो हम क्या पढ़ चुके हैं, मेंटेनेंस किसको मिलेगा, मेंटेनेंस का ग्राउंड। अब अपन ये सपोज करते हैं कि भाई मेंटेनेंस के ग्राउंड भी एग्जिस्ट करते थे, जिसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए वो भी 125 के अंडर आता है। तो अब हम ये सपोज करते हैं कि मानो ऑर्डर हो गया, उसके बाद क्या होगा? तो ऑर्डर होने के बाद हमेशा दो ही चीजें होंगी, जैसे अपने ने यहाँ पे ऑर्डर करवा दिया अगर मान लो मेंटेनेंस का, या आप जो बीइंग ए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आपने मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया है, ठीक है, आपने ऑर्डर कर दिया है, ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, उसमें दो बातें होंगी, एक डेट ऑफ एनफोर्समेंट कि ऑर्डर कब से लागू होगा, दूसरी बात फेलियर टू पे मेंटेनेंस, या मान लो ब्रीच ऑफ ऑर्डर, और ब्रीच ऑफ ऑर्डर। दो बातें आती हैं इसके अंदर। सबसे पहली बात इसमें आ जाओ कि भाई अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है मेंटेनेंस का, तो वो ऑर्डर कब से लागू होगा? जनरल रूल तो बोलता है डेट ऑफ ऑर्डर, जिस दिन ऑर्डर किया है उस दिन से ये लागू होगा, ठीक है। बट अगर मैजिस्ट्रेट चाहे, मतलब कि आपके पास केस आता है, अगर आप चाहो तो इस ऑर्डर को लगवा सकते हो डेट ऑफ एप्लीकेशन से, मतलब कि जिस दिन केस फाइल हुआ था उस दिन से भी। जैसे जनरल रूल तो क्या बोलता है, जनरल रूल बोलता है डेट ऑफ ऑर्डर से,
डेट ऑफ ऑर्डर। जैसे मान लो आपने ऑर्डर पास किया 1 अगस्त को, तो जनरल रूल बोलता है यही इसी तारीख से मेंटेनेंस लागू होगा कि भाई 1 अगस्त को ऑर्डर चालू हो गया है तो अब आप हर महीने मेंटेनेंस देना चालू कर दो। ये एक बात है। बट अगर आप चाहो तो आप जब ऑर्डर लिख रहे हो आप उसमें बोल सकते हो कि ये जो ऑर्डर है 1 अगस्त से नहीं, ये ऑर्डर मान लो जो मेंटेनेंस का केस फाइल हुआ था वो हुआ था 1 मई को। तो आप बोल दोगे ये जो ऑर्डर है डेट ऑफ ऑर्डर से नहीं, डेट ऑफ एप्लीकेशन से, मतलब जिस दिन केस फाइल हुआ था। इसके अंदर सिर्फ एप्लीकेशन लगती है तो डेट ऑफ एप्लीकेशन से लागू होगा। तो उस केस के अंदर ये वाला रूल नहीं लगेगा, डेट ऑफ एप्लीकेशन वाला रूल लगेगा। और होगा क्या, मान लो 1 अगस्त का ऑर्डर है तो मई का मेंटेनेंस, जून का मेंटेनेंस, जुलाई का मेंटेनेंस, ये 3 महीने का मेंटेनेंस वो एक साथ देगा। फिर 1 अगस्त से जो है अगस्त का मेंटेनेंस देना चालू कर देगा, अगस्त सितंबर हर महीने का मेंटेनेंस देना चालू कर देगा। तो क्या कंसेप्ट है कि भाई ऑर्डर जो पास होता है वो एनफोर्स कब होता है, जनरल रूल है डेट ऑफ ऑर्डर, जनरल रूल है डेट ऑफ ऑर्डर। उसके अलावा जो रूल है वो ये है डेट ऑफ एप्लीकेशन। इफ मेंशन्ड बाय कोर्ट, अगर कोर्ट इस बात को एक्सप्रेसली मेंशन करती है तब, अदरवाइज ये जनरल रूल रहेगा। ये एक बात है। अब आ जाओ ब्रीच पे। मान लो उसने मेंटेनेंस पे ही नहीं किया, सपोज करते हैं किसी को बोला गया 1 अगस्त को ऑर्डर पास हुआ मेंटेनेंस पे करो, उसने अगस्त का तो चलो पे कर दिया, सितंबर का नहीं पे किया, अब क्या होगा? अब इसमें प्रोसीजर देखना क्या होगा इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि उसको डायरेक्ट जेल में डाल देंगे, नहीं, ये कंसेप्ट नहीं है। मामला पैसे का है, कोशिश की जाएगी पहले पैसा रिकवर करने की। कोशिश क्या की जाएगी, पहले पैसा रिकवर करने की। तो अब क्या होगा, पहले कोर्ट जो है ऑर्डर ऑर्डर इश्यू करेगा वारंट, वारंट जिसको हम बोलते हैं वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन। मतलब कि मान लीजिए जैसे कोर्ट ने किसी के ऊपर पैसे का एक पेनल्टी इंपोज की, पैसे के मामले में उसको रिकवरी करने का जो वारंट होता है उसको हम बोलते हैं वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन, वारंट फॉर रिकवरी ऑफ मनी जिसको हम बोल सकते हैं। इसके अंदर कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट वारंट इश्यू करेगा, कंसर्न्ड ऑफिसर को ऑथोराइज करेगा, अगर आपको उसकी कोई प्रॉपर्टी मिलती है उस प्रॉपर्टी को बेच दो, पैसा लो, जिसको पैसा देना बनता है उसको पैसा दे दो। कोर्ट सबसे पहले ये करेगा। अगर वारंट एग्जीक्यूट होता है, मान लो ये वारंट इश्यू होता है, ये एग्जीक्यूट होता है, पैसा फिर भी रिकवर नहीं हो पाता। जैसे मान लो ये भाई साहब को मेंटेनेंस देना था 10,000 रुपये, अगस्त का तो इसने दे दिया, सितंबर में इसने 5,000 दे दिया, 5,000 नहीं दिया, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट पहले वारंट इश्यू करेगी कि भाई रिकवरी ऑफ फाइन में पहले वारंट इश्यू करो, डायरेक्ट जेल में मत डालो। कोर्ट ने वारंट इश्यू किया, हम सपोज करते हैं 5,000 रुपये रिकवर ही नहीं हुए, कोई प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है, कहीं से वो पैसा कमा नहीं रहा है, कहीं पे नौकरी नहीं कर रहा है, कि भाई उसके एम्प्लॉयर को बोल दें कि तू हमें 5,000 रुपये तू इसको नहीं देगा, 5,000 रुपये तू जो भी कंसर्न्ड पर्सन है उसको देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हम ये करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा उस स्टेप के अंदर उसको जेल में डाला जाएगा फॉर 1 मंथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 मंथ। ये ध्यान रखना, अगर ऑर्डर मान लो उसने मेंटेनेंस पे नहीं किया है तो डायरेक्ट इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। पहला स्टेप होगा वारंट इश्यू करने का, कि वारंट इश्यू किया जाएगा फाइन रिकवरी का। अगर यहां पे रिकवरी हो गई फाइन, पैसा जो मेंटेनेंस का है वो रिकवर हो गया, दूसरे स्टेप में नहीं आएंगे। अगर इन केस ऐसा होता है कि पैसा रिकवर नहीं हो पाया वारंट से, फिर उसको जेल में डाल देंगे। कितना टाइम डालेंगे, 1 महीना। और ये 1 महीने का कंसेप्ट समझ लो हर डिफॉल्ट के लिए,
हर डिफॉल्ट के लिए 1 महीना रहेगा। मान लो इसने सितंबर का डिफॉल्ट कर दिया, 1 महीना के लिए जेल में डाल दो, अक्टूबर का ड्यू हो गया, अगर अक्टूबर का पे कर देगा तब तो ये बाहर आएगा, अगर इसने अक्टूबर का भी पे नहीं किया फिर 1 महीना, फिर इसने मान लो नवंबर आया, नवंबर का पे कर दिया तो 1 महीने बाद बाहर डाल निकाल लो, नहीं पे किया नवंबर का फिर 1 महीना। तो ये जो इम्प्रिजनमेंट है ये ऐसा नहीं है कि ऑर्डर एक बार आपने डिफॉल्ट कर दिया 1 महीना रहोगे उसके बाद डिफॉल्ट कर दो चाहे आपको कोई जेल में नहीं डाल सकता, ये नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर उससे पैसा रिकवर नहीं हो पाता है तो हर महीने के लिए एक एक महीना रहेगा, हर महीने के लिए, हर महीने के लिए कितना, एक एक महीना। तो इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 month फॉर ईच डिफॉल्ट, ईच डिफॉल्ट। तो अगर वो मान लो डिफॉल्ट करता ही जा रहा है, 1 महीना नहीं पे किया, पैसा रिकवर नहीं हो पाया, जेल में डाल दो, अगले महीने का भी नहीं पे किया, जेल में रखो उसको, फिर अगले नहीं पे महीने का नहीं पे किया, जेल में रखो उसको, पे कर देगा जब तब उसको जेल से बाहर निकाल दो। ये इसका ये कंसेप्ट है, अपने से पूछा जाता है, वो अपने से ये पूछता है, एक तो यह क्वेश्चन पूछता है, डेट ऑफ ऑर्डर लागू कब होता है, या ऑर्डर का जो सेक्शन 125 के अंदर जो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस इश्यू होता है वो कब से लागू होगा। जनरल रूल है डेट ऑफ ऑर्डर, अदरवाइज क्या है, अगर कोर्ट ने एक्सप्रेसली मेंशन किया है तो है डेट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब केस फाइलिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है वो, अगर किसी ने मेंटेनेंस पे नहीं किया तब क्या होगा, वारंट से रिकवरी होगी, अगर वारंट इश्यू करके रिकवरी नहीं हो पा रही है फिर उसको जेल में डालेंगे, जेल कितने टाइम के लिए डाला जाएगा, 1 महीने के लिए, कितना, 1 महीने के लिए फॉर ईच डिफॉल्ट। ये ध्यान रखना, इसमें कोई भी डाउट अभी तक। देखिए वाइफ अगर अच्छा काम कर रही है तो हस्बैंड को मेंटेनेंस देगी क्या, सेक्शन 125 नहीं दिलवाता है, सेक्शन 125 बकायदा स्टेटस बताता है, पर्सन अपनी वाइफ को मेंटेन करेगा, पर्सन अपने बच्चों को मेंटेन करेगा, पर्सन अपने फादर मदर को करेगा, तो हस्बैंड को नहीं मेंटेनेंस दिलाता है। एनी काइंड ऑफ लॉ रिगार्डिंग टू इट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं बट कुछ खास फॉलो नहीं होती है, ठीक है, हस्बैंड वाली तो नहीं है, हाँ फादर मदर की जरूर है बट वो भी इतनी फॉलो नहीं होती है कि जैसे कि एक लड़के की ड्यूटी बनती है टू मेंटेन हिज फादर मदर, लड़की की भी बनती है बट फॉलो नहीं होती है। ठीक है, अब आ जाओ एक बात जो इसमें रह रही है अभी, जो अपने को पता होनी चाहिए क्योंकि ये सब प्री में क्वेश्चन आते ही आते हैं, प्री में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब आ जाओ यहाँ पे, ये क्या बोलता है कि भाई मान लो किसी ने मेंटेनेंस पे नहीं किया, आपको पता है रिकवरी ऐसे हो सकती है, यहाँ पे एक बात और बताई गई है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिकवरी। ये कहना चाहता है कि मान लो 1 अगस्त 2023 को उसको मेंटेनेंस पे करनी थी, उसने अगस्त की पे कर दी, सितंबर 2023 की पे नहीं की, तो आप कब केस फाइल कर सकते हो, कभी भी, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 12 साल, कभी भी, कि सर आप 2030 में उठ के आ रहे हो कि सर 1 सितंबर 2023 वाली इसने मेंटेनेंस नहीं पे की, नहीं, जब भी मेंटेनेंस ड्यू होती है
उस ड्यू होने के एक साल के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन डालनी होगी। अगर आपने एप्लीकेशन नहीं डाला है तब उसके बाद एक साल के बाद आप इस मेंटेनेंस को रिकवर नहीं करवा सकते हो। तो जो एप्लीकेशन है वो कितना साल के अंदर होनी चाहिए? 1 ईयर फ्रॉम ड्यू डेट। कि भाई 1 सितंबर को ड्यू हुई, उसने नहीं पे की, 1 सितंबर 2023 था, तो 1 सितंबर 2024 तक आप एप्लीकेशन डाल सकते हो फॉर रिकवरी। अगर आपने एक साल में एप्लीकेशन नहीं डाला, कोर्ट आपको पैसे की रिकवरी नहीं करवाएगी। ये ध्यान रख लेना, ये एक बात है इसके अंदर। हालांकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, ज्यादातर वो यहीं से पूछ लेता है, बट फिर भी सिंपल सा क्वेश्चन है तो ध्यान रखना। ठीक है, ये है रिकवरी का। अब आते हैं बात मेंटेनेंस रिलेटेड, जो मेन बातें हैं वो तो हो चुकी हैं, अब कुछ एक्स्ट्रा बातें जो हैं वो देख लेते हैं। एक वाइफ कौन होगी, माइनर चाइल्ड कौन बताएगा कि बच्चा माइनर है या नहीं है, वो कौन बताएगा? देखो, चाइल्ड का माइनर मेजोरिटी, उसके लिए सिंपल सा कानून है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट। इंडियन मेजोरिटी एक्ट, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इस क्वेश्चन के आने के कोई चांसेस नहीं। वाइफ के हैं, वाइफ यहां पे कौन है? देखो, जनरली वाइफ के अंदर क्या होता है कि भाई शादी हो रखी है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ, लीगली वेडेड वाइफ जिसको हम बोलते हैं, वो तो है ही है, उसके अंदर तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो है ही है। उसके अलावा जो है वो और देख लो, तो एक तो ये देख लो, लीगली वेडेड वाइफ तो है ही, लीगली वेडेड वाइफ तो है ही। उसके अलावा, इसको हटा देता हूं, उसके अलावा वो वाइफ हम बोल सकते हैं वो वुमेन हु हैज ऑब्टेन्ड डाइवोर्स, जिसने डाइवोर्स खुद लिया है वो भी, या फिर हु हैज बीन गिवन डाइवोर्स, जिसने खुद डाइवोर्स लिया नहीं है, उसके पति ने उससे लिया है, प्लस उसके बाद उसकी शादी नहीं हुई होनी चाहिए, अनमैरिड, डाइवोर्स के बाद उसने शादी नहीं की है। ये सब वाइफ की कैटेगरी में आएंगे। तो जनरली तो वाइफ के अंदर कौन होगा? लीगली वेडेड वाइफ तो होगी होगी। उसके अलावा वो वुमेन जिसने मान लो अपने पति से डाइवोर्स खुद लिया है, या फिर ये उल्टा कर दो कि पति ने उससे डाइवोर्स लिया है, कुछ भी, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए? डाइवोर्स के बाद उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ग्राउंड अपना यही आ गया। अगर मान लो कोई लेडी है जिसकी शादी हुई हुई है, उसका डाइवोर्स हुआ, जब तक उसने डाइवोर्स लिया, या मान लो जब तक डाइवोर्स होने के बाद उसने दोबारा शादी नहीं की, तब तक मेंटेनेंस मिलेगा। जिस दिन उसने शादी कर ली, मेंटेनेंस कैंसिल हो जाएगा, मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब आप उसकी वाइफ के स्टेटस में नहीं हो, अब आप किसी और के वाइफ हो गए हो। और वाइफ, एक लेडी कभी भी दो लोगों की वाइफ हो नहीं सकती है, हमारा इंडियन लॉ इसकी परमिशन नहीं देता है। तो अनमैरिड रहोगे तब तक वाइफ की कैटेगरी में रहोगे, मेंटेनेंस वो देगा। जिस दिन दूसरे से शादी कर ली, वाइफ की कैटेगरी से बाहर हो जाओगे, मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाइफ कौन है। ठीक है, ये एक बात है जो इसके अंदर ध्यान रख लेना। तो अब अपने ने क्या क्या पढ़ा है? मेंटेनेंस किसको मिलेगा, मेंटेनेंस के ग्राउंड्स क्या है, ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ा मेंटेनेंस का ऑर्डर कौन करता है। फिर हमने पढ़ा अगर मान लो उसने ऑर्डर, जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है उसने फॉलो नहीं किया, तब क्या होगा। चौथी बात, मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है वो लागू कब से होता है, ठीक है। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट बात, वाइफ का क्या स्टेटस है, वाइफ कौन कहलाएगी। पांच बातें हो गई है। मेंटेनेंस की अगर बात करूं, यहां पे खत्म है, मेंटेनेंस इतना ही है। जो मेंटेनेंस रिलेटेड कानूनी बातें हमें जानने लायक है वो इतना ही है, अभी तक प्रोसीजर अपना इसमें चालू नहीं हुआ है, ठीक है। ये है मेंटेनेंस। अब इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखना,
ये सेक्शन जो सेक्शन 125 है आपको मेंटेनेंस की राइट तो देता ही देता है, पर उसके साथ साथ इंटरिम मेंटेनेंस प्लस एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स वो रिकवर करने की भी राइट देता है। तो ये सेक्शन सिर्फ मेंटेनेंस का नहीं है, चाहे 125 से 128 का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ मेंटेनेंस का नहीं है, इंटरिम मेंटेनेंस का भी है, एक्सपेंसेस का भी है। मतलब कि ये कहता है आपने मेंटेनेंस के लिए केस फाइल किया, अभी आपकी इतनी स्थिति भी नहीं है कि जब तक केस चले आप अपने आप को मेंटेन कर पाओ, तो आप क्या बोलोगे कोर्ट को कि सर जब तक केस चल रहा है तब तक मुझे इंटरिम मेंटेनेंस ही दिला दो। इंटरिम मतलब पेंडिंग, केस के दौरान जो बातें होती हैं इंटरिम, केस के दौरान। कोर्ट को पता लगता है कि हाँ यार इनकी स्थिति अभी भी इतनी नहीं है कि ये केस के दौरान भी अपने आप को मेंटेन कर पाए, कोर्ट आपको इंटरिम मेंटेनेंस दिलवा देगी। क्या प्रोसीजर होगा? सेम, एप्लीकेशन डालोगे, आपकी बातों को सुना जाएगा, आपको इंटरिम मेंटेनेंस मिल जाएगा। इंटरिम के अलावा आपके पास राइट कौन सा है? एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग। भाई आप कोर्ट को बोलते हो कि को सर भाई खुद चाहे तो इंटरिम साथ में मांग लो, कोई ऐसा नहीं है दोनों में से एक ही ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। भाई आपने बोला कि सर इंटरिम तो छोड़ो हमें नहीं चाहिए, जो केस का खर्चा है ना उतना खर्चा उठाने का पैसा नहीं है। कोर्ट कहेगी ठीक है भाई कोई बात नहीं, खर्चा दिलवाते हैं आपको आपके पति से, या बच्चा है तो उस माँ बाप है तो बोलेंगे, माँ बाप को बोल देंगे कि भाई मान लो कोई पर्सन है उसके माँ बाप केस फाइल कर रहे हैं, तो माँ बाप को बोल देगा कोर्ट कि कोई बात नहीं आपको आपके बच्चे से जो केस फाइल करने का खर्चा है वो दिलवाते हैं। तो ये भी हो सकता है, बस इसमें ध्यान रखना जो कि ये पेंडिंग केस के दौरान की बातें हैं ये दोनों, कि भाई जब तक केस पेंडिंग है तभी तक मिलेगा, फाइनल ऑर्डर आएगा उसके अंदर अगर आपको मेंटेनेंस मिलेगा तो मेंटेनेंस हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो मेंटेनेंस नहीं, कैंसिल, तो ये इंटरिम और एक्सपेंसेस भी कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कानून ने लिमिट बताई हुई है, क्योंकि ये दोनों चीजें केस के दौरान है, ये दोनों चीजों को डिसाइड करना, जल्दी डिसाइड करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि पेंडिंग केस में डिसाइड करना होता है, तो यहाँ पे ये बात बोली गई है कि जो एप्लीकेशन होगी फॉर इंटरिम मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग या केस, ये एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए 60 डेज के अंदर फ्रॉम सर्विस ऑफ नोटिस, फ्रॉम सर्विस ऑफ नोटिस। भाई मान लो हस्बैंड वाइफ इनमें केस चल रहा है, वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ मेंटेनेंस का केस किया, वहीं पे वाइफ ने एप्लीकेशन डाल दी, मान लो वाइफ ने एप्लीकेशन डाली 1 अगस्त को, किस चीज की? इंटरिम मेंटेनेंस की, इंटरिम मेंटेनेंस की 1 अगस्त को एप्लीकेशन डाली, तो जो 60 दिन होंगे वो कहां से चालू होंगे? वो 1 अगस्त से नहीं चालू होंगे, वाइफ ने 1 अगस्त को एप्लीकेशन डाली, कोर्ट जैसे ही एप्लीकेशन आती है हस्बैंड को नोटिस इश्यू करती है, नोटिस कब रिसीव हुआ उसको? 10 अगस्त को उसको नोटिस रिसीव हुआ, यहां से 60 दिन चलेंगे, डेट ऑफ एप्लीकेशन से नहीं, डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस से 60 दिन गिने जाएंगे, ये ध्यान रखना। ये है एक बात जो ज्यादातर क्वेश्चन में, या ये मान लो अगर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं तो ये वाले ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये रोज की बातें हैं कि भाई मेंटेनेंस का केस आता है फिर इंटरिम मेंटेनेंस उसमें लगती ही लगती है, तो आपको पता होना चाहिए कि यार इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन है 60 दिन में खत्म करनी है। 60 दिन कहाँ से? एप्लीकेशन की तारीख से नहीं, 60 दिन जिस दिन सामने वाली पार्टी को नोटिस मिल जाएगा उससे 60 दिन। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, तो ये सेक्शन सिर्फ मेंटेनेंस का नहीं है, इंटरिम का भी है और एक्सपेंसेस ऑफ केस का भी है, ये एक बात इसके अंदर ध्यान रखना।
लो अब एक बार लिख लो अपने को इसमें पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें काफी हैं इसके अंदर। ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस में देखो सबसे पहला किसको मिलेगा, उसके बाद ग्राउंड्स, ठीक है, किसको मिलेगा, उसके बाद आ गया ग्राउंड्स, फिर ऑर्डर एनफोर्समेंट, ऑर्डर कब से लागू होगा, ठीक है, ऑर्डर लागू होने के बाद अगर ऑर्डर ब्रीच होता है तो क्या होगा, ब्रीच ऑफ ऑर्डर, फिर उसके बाद ब्रीच ऑफ ऑर्डर हो गया, फिर उसके बाद इसके अंदर मेंटेनेंस वर्ड के अंदर कौन कौन इंक्लूड होते हैं, इंटरिम और एक्सपेंसेस, ये भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, वाइफ कौन होगी, वाइफ कौन कहलाएगी, ये इतनी बातें हैं। अपने से पूछेगा एक, अपने से पूछेगा दो, तीन, चार, ठीक है, और इंटरिम मेंटेनेंस वाला पांच, ये बातें वो अपने से पूछ सकता है। ये है अपने लिए मेंटेनेंस में पढ़ने लायक सेक्शन 125 में। ठीक है, अब आ जाओ, देखो सबसे पहली बात, अभी तक अपने ने प्रोसीजर तो पढ़ा ही नहीं है, जो अपना मेन मुद्दा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या है, प्रोसीजर, प्रोसीजर तो अपने ने पढ़ा ही नहीं है। अपने ने तो ये पढ़ा है राइट कब मिलेगी, राइट कितने दिनों में मिलनी चाहिए, केस कितने दिनों में डिसाइड होना चाहिए, हमने ये पढ़ा है, प्रोसीजर थोड़ी पढ़ा है। प्रोसीजर का कंसेप्ट क्या होता है कि भाई कौन केस चलाएगा, केस कहाँ चलेगा, केस का क्या ट्रायल का तरीका था क्या होगा, एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होगा, यही तो बातें हैं। वो अब आएगा 126 के अंदर। अब आता है इसका प्रोसीजर। 125 ने तो सिर्फ एक तरह से बात करें सब्सटेंटिवली बता दिया अपने को कि राइट कब मिलेगी, राइट कितने दिनों में मिलेगी। अब आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर के अंदर क्या क्या है, प्रोसीजर में है प्लेस ऑफ ट्रायल या इंक्वायरी, जो भी बोल दो वो कौन सी होगी, उसके बाद हम प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे, प्रोसीजर ऑफ ट्रायल या रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, सबसे इंपॉर्टेंट क्या एक्स पार्टे ऑर्डर पास हो सकता है क्या नहीं, ठीक है, ये दो तीन बातें हैं, ये दो तीन बातें और वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ प्लेस ऑफ ट्रायल, ट्रायल कहाँ हो सकता है, कि भाई देखो अगर तो हस्बैंड, मान लो हस्बैंड वाइफ ही केस ले रहे हैं अपने, ये हस्बैंड है ये वाइफ है, अगर तो मान लो ये एक ही जगह पे रह रहे हैं, ये रह रहे हैं जयपुर में दोनों, तो पता ही है ट्रायल जयपुर में होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर मान लो हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग जगह रह रहे हैं, हस्बैंड रह रहा है कोटा, वाइफ रह रही है जयपुर, तब ट्रायल कहाँ हो। ट्रायल के मामले में सीआरपीसी बिल्कुल इसमें एक तरह से मान लो लीनियंट रहा है, ये कहता है ट्रायल कहीं भी करो, जैसे ये कहता है भाई ट्रायल कर लो आप वेयर पर्सन रिसाइड्स, कौन सा पर्सन, जिसको मेंटेनेंस, जिसके खिलाफ मेंटेनेंस का केस हो रहा है, जहां वो रिसाइड करता है आप वहां पे केस फाइल कर दो, एक दूसरा, या फिर वहां पे नहीं करना, आप वहां केस फाइल कर दो जहां पे वो पर्सन और हीज वाइफ रिसाइड, दोनों में से जो भी जहां रहता है, मान लो हस्बैंड कोटा में रहता है, वाइफ जयपुर में रहती है, चाहे तो यहां पे केस फाइल कर दो जयपुर में या फिर कोटा में, जहां सही लगे। तीसरा, पर्सन लास्ट रिसाइडेड विद हीज वाइफ, ये क्या कंसेप्ट है, लास्ट रिसाइडेड विद हिज वाइफ का कंसेप्ट ये है कि भाई मान लो हस्बैंड हाल फिलहाल जयपुर में रह रहा है अभी, पर जब उसका, जब वो अपनी वाइफ के साथ रहता था ना, तब वो जयपुर में नहीं रहता था, तब ही वॉज इन उदयपुर,
तब ही वाज इन उदयपुर। जब वो अपनी वाइफ के साथ रहता था तब वो उदयपुर में था। बाद में इनका विवाद हो गया, केस वेस चलने की बातें आई, तो वाइफ अपने घर चली गई, हस्बैंड ने उदयपुर में पहले था, जहां भी जो भी करता होगा उदयपुर में, वो वहां से शिफ्ट होकर जयपुर में आ गया। अब जयपुर में रह रहा है, पर जब दोनों साथ रहते थे तब उदयपुर में था। तो यहां पे कोर्ट कहता है कि यहां पे आपके पास एक और ऑप्शन है, हालांकि आप ऊपर वाले में भी केस फाइल कर सकते हो कि जहां पे हस्बैंड अभी रह रहा है, जहां पे वाइफ अभी रह रही है, पर अगर आपको ऐसा करना है कि जहां पे हस्बैंड वाइफ लास्ट रिसाइड करते थे, मतलब कि दोनों जब एक साथ थे तब कहाँ रहते थे, मान लो उदयपुर में, तो वहां पे भी केस फाइल कर सकते हो। पर्सन लास्ट रिसाइडेड विद हिज वाइफ, चौथा पर्सन लास्ट रिसाइडेड विद मदर ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड। वो एक ही बात है भाई, अगर बच्चे वाला मेंटेनेंस होगा तो बच्चा चाहे तो कहाँ केस फाइल कर सकता है, जहां पे जिसका मतलब जिसके खिलाफ केस फाइल कर रहा है, जहां पे वो अभी रहता है। ठीक है, ये तो पर्सन और वाइफ में लगेगा, ये वाला भी पर्सन और वाइफ में लगेगा। या फिर वो कहाँ केस फाइल कर सकता है, यहाँ केस फाइल कर सकता है जहां पे या तो वो पर्सन रह रहा है, या फिर जहां पे वो पर्सन उसकी माँ के साथ लास्ट रहता था। या जैसे देख लो, एक एक्यूज्ड है, एक्यूज मतलब सॉरी, एक के खिलाफ एप्लीकेशन आती है, खिलाफ एप्लीकेशन है, किसने डाली है, जेड ने। जेड कौन है, माइनर चाइल्ड, माइनर बोल दो मेजर बोल दो, चलो चाइल्ड लिख देते हैं। ये क्लेम करता है कि सर ए जो है ये मेरे फादर है, ए के मेरे मेरी मतलब मेरी जो मदर है उसके साथ रिलेशनशिप था, इसने जब मेरी माँ प्रेग्नेंट हुई तो ये उनको छोड़ के भाग गया, और उसके बाद मैं हुआ, मेरी माँ जो है मतलब है या नहीं भी वो भी कोई बात नहीं, ठीक है, ये इस बच्चे ने केस फाइल कर दिया। अब बच्चा कहाँ केस फाइल कर सकता है, एक जहां पे वो पर्सन आज रिसाइड करता है, वेयर सच पर्सन रिसाइड्स। या फिर बच्चा कहाँ केस फाइल कर सकता है, बच्चा केस फाइल कर सकता है जहां पे ये बंदा जो है उसकी माँ के साथ रहता था। मान लो आज ये बंदा जयपुर में है, पर जब इसकी ये जो बच्चा है जेड, इसकी माँ जो थी, मान लो माँ है बी, उसके साथ जब ये रहता था तब ही वाज इन कोटा। तो ये जो जेड चाइल्ड है ये चाहे तो जयपुर में केस फाइल करे, चाहे कोटा में। तो ये अपने लिए जानने लायक बात है कि जो प्लेस होगी, जो इंक्वायरी की या ट्रायल की 125 में जो सेक्शन में एप्लीकेशन डलती है, उस एप्लीकेशन के अंदर जो इंक्वायरी या ट्रायल की जो प्लेस होगी वो कौन सी होगी। वो या तो जहां पे जिसके खिलाफ भी एप्लीकेशन डल रही है वो बंदा कहाँ रह रहा है, एक, या फिर जहां पे वो बंदा या और उसकी वाइफ रह रही है, दोनों में से कोई भी, ठीक है, जहां पे वो बंदा अपनी वाइफ के साथ लास्ट रहा था, और इन केस ऑफ चाइल्ड इलेजिटिमेट चाइल्ड, जहां पे वो बंदा उस बच्चे की माँ के साथ लास्ट कहाँ रहा था। ये चार ऑप्शन है अपने पास, कहीं पे भी केस फाइल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे लिए आना मुश्किल मतलब चांसेस नहीं है, रीजन बता देता हूँ। इसके अंदर ऑप्शन ऐसे हैं कि अगर कोई नॉर्मली भी टिक करेगा ना तब भी वो सही ही टिक करेगा। इसके अंदर उन्होंने कोई जगह ऐसी छोड़ी नहीं है कि जहां पे केस नहीं फाइल कर सकते, तो ये क्वेश्चन आता नहीं है। इसीलिए नहीं आता है कि भाई वो क्या ऑप्शन डालें कि इन जगहों के अलावा कोई जगह आ जाए, आती नहीं है, करें क्या। अगर कोई और ऑप्शन डालेंगे तो वो इतना ही अजीब ऑप्शन होगा कि पढ़ते ही पता लग जाएगा कि यार यहाँ तो केस नहीं फाइल होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। तो प्लेस ऑफ ट्रायल और इंक्वायरी ये है, थोड़ा बहुत देख लेना, आने के चांसेस तो कम है। अब इसके अलावा जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो उस पर अपने आएंगे।
अब आ जाओ, एक दो छोटी छोटी बातें हैं। जो प्लेस ऑफ इंक्वायरी या ट्रायल हमारे लिए हो गया नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं अभी दोबारा बोलूंगा। अब आ जाओ प्रोसीजर के अंदर, जो सबसे पहली बात है, ट्रायल प्रोसीजर क्या होगा, ट्रायल या इंक्वायरी का प्रोसीजर क्या होगा। सेम एज ट्रायल ऑफ समन केस, जैसे समन केस का ट्रायल होता है वैसे ही इसका ट्रायल होगा, और समन केस में जैसे एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं वैसे ही इसका एविडेंस रिकॉर्ड होगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्स पार्टे ऑर्डर, ये ध्यान देना। ये तो सिंपल ध्यान दे देना, मतलब ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा अगर आएगा तो। इस पे आ जाओ, ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स पार्टे ऑर्डर के बारे में ये बोलता है कि क्या 100, मतलब जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है वो एक्स पार्टे हो सकता है क्या। एक्स पार्टे मतलब हस्बैंड वाइफ के अंदर डिस्प्यूट है, वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर केस किया, हस्बैंड भाई सब कोर्ट में ही नहीं आए, तो क्या जो कोर्ट है वो बिना हस्बैंड के आए ऑर्डर कर सकती है क्या। बिल्कुल कर सकती है। इन एब्सेंस ऑफ वन पार्टी ऑर्डर अगर किया जाता है उसको हम बोलते हैं एक्स पार्टे ऑर्डर। कैसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो जो भी ऑपोजिट पार्टी है, जो पार्टी नहीं आई है, वो जानबूझ के नहीं आ रही है, वो विलिंगली नहीं आ रही है कोर्ट के अंदर, तब कोर्ट प्रोसीडिंग चलाएगी और बिना उस पार्टी के आए या उस पार्टी की एब्सेंस में ऑर्डर पास कर देगी। तो क्या एक्स पार्टे ऑर्डर हो सकता है, यस, इफ पार्टी विलिंगली अवॉइड्स। ये तो चलो फिर भी सिंपल है। अब बात ये उठती है, अगर मान लो एक्स पार्टे ऑर्डर पास हो गया, क्या वो सेट असाइड हो सकता है क्या। सेट असाइड मतलब कि भाई पार्टी अपील नहीं करना चाह रही है, पार्टी क्या कर रही है, पार्टी आ रही है दोबारा। मान लो आपने ऑर्डर पास किया एक्स पार्टे, अपील तो कर सकते हैं ऑर्डर के खिलाफ, कुछ वो उसमें दिक्कत नहीं है। अपील में जाके नहीं, वो आपके पास आना चाहते हैं दोबारा कि सर या मैडम, जो आपने ऑर्डर पास किया एक्स पार्टे, आपको ऐसा लगा कि हम जानबूझ के नहीं आए हैं, एक्चुअली हमारी कोई जरूरी वजह थी। वो अपनी वजह बताएंगे, आपको लगा हाँ यार जेन्युइन वजह है, आप एक्स पार्टे ऑर्डर को सेट असाइड कर सकते हो क्या। बिल्कुल कर सकते हो। एक्स पार्टे ऑर्डर पास भी हो सकता है, एक्स पार्टे ऑर्डर सेट असाइड भी हो सकता है, सेट असाइड भी हो सकता है अगर सफिशियंट कोज वो शो करते हैं, अगर वो सफिशियंट कोज शो कर दें कि वो किस वजह से नहीं आ पाए। बस यहां टाइम लिमिट पे ध्यान देना, ये जो टाइम लिमिट वाले क्वेश्चन है वो इसमें जरूर ध्यान देना कि जो एप्लीकेशन है टू सेट असाइड वो 3 महीने के अंदर, विद इन थ्री मंथ्स ऑफ ऑर्डर, जो एक्स पार्टे ऑर्डर है उसके 3 महीने के अंदर अंदर ये एप्लीकेशन आनी चाहिए, तब तो ऑर्डर सेट असाइड हो जाएगा, वरना नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। और एक क्वेश्चन इसमें ये और याद रखना कि ये कौन से सेक्शन में है, 126(2) में, सेक्शन नंबर भी बकायदा पूछ लेता है वो, 126(2) के अंदर। ठीक है, ये कुछ बातें हैं, उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। प्रोसीजर में हमारे लिए जानने लायक क्या है कि प्रोसीजर का ट्रायल की प्रक्रिया क्या होगी, समन केस वाली, कहां पे ट्रायल हो सकता है, सब जगह हो सकता है, जहां पे वो रह रहा है आज, जहां पे वो या उसकी पत्नी कभी रहते थे, या जहां पे वो या उसकी पत्नी आज रहते हैं, सब जगह हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्रायल कहां होगा, कहीं पे भी कर लो ट्रायल, 126 के अंदर। एक्स पार्टे ऑर्डर वाला इंपॉर्टेंट है, 126 क्लोज 2 एक्स पार्टे की बात करता है, ऑर्डर हो सकता है, ऑर्डर एक्स पार्टे ऑर्डर सेट असाइड भी हो सकता है, बस कंडीशन ये मैच होनी चाहिए। अगर 3 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन आती है तभी एक्स पार्टे ऑर्डर सेट असाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना।
ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। चार सेक्शन है, चारों के चारों सेक्शन इसके इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे देना। मेंटेनेंस का ऑर्डर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कब कैंसिल हो जाता है? कैंसिल बोल दो या ये बोल दो मेंटेनेंस मिलेगा ही नहीं, कब कैंसिल हो जाएगा बोल दो, या ये मान लो जब मेंटेनेंस मिलेगा ही नहीं। इसके टोटल 6 ग्राउंड है, 3 ग्राउंड जो है वो 125 में ही बताए हुए हैं, 3 ग्राउंड जो है 127 में बताए हैं। अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने 6 के 6 यहां ही कर लेंगे। कब नहीं मिलेगा? पहला, वाइफ इन एडल्ट्री, कि भाई वाइफ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या था, इसी वजह से दोनों डाइवोर्स ले रहे हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, उसके बाद वाइफ रिफ्यूजेस टू लीव विद हस्बैंड विदाउट रीजनेबल कोज, कि भाई पति बोल रहा है कि सर ये मेरे साथ रहना नहीं चाहती है, कोर्ट पूछती है क्यों नहीं रहना चाहते हो, वाइफ बोल रही बस नहीं रहना चाहती, मेरे को नहीं इस आदमी के साथ रहना पसंद। कोई सफिशियंट वजह ही नहीं है, कोई रीजनेबल वजह ही नहीं है कि ये क्यों अलग हो रही है, वहां पे कोर्ट मेंटेनेंस नहीं देगा। ठीक है, तीसरा, सेपरेटेड विद म्यूचुअल कंसेंट, दोनों अपनी रजामंदी की, दोनों ने आपस में पहले रजामंदी हुई है उस और अलग हो गए, कोई किसी से कोई विवाद नहीं कुछ नहीं, दोनों ने कहा चल ठीक है अपने दोनों की बनी नहीं है, एक काम कर तू अपने रास्ते हो जा मैं अपने रास्ते हो जाता हूं, वहां पे भी कोर्ट मेंटेनेंस नहीं देगी या कोर्ट मना कर सकती है कि भैया आप दोनों खुद से ही अलग हुए हो। ठीक है, आप लोग खुद ही मतलब इतने मैच्योरिटी वाला लेवल डिसीजन लिया है कि खुद से अलग हो जाते हैं, तो मेंटेनेंस किस चीज का है? जब आप इतने एक मैच्योरिटी पे जा सकते हो कि दोनों म्यूचुअली अलग ही हो रहे हो, तो आपको मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं है। म्यूचुअली अलग होने का मतलब क्या है? कि भाई आप अपना अपना खर्चा उठाने की इम्प्लाइड कंडीशन को एक्सेप्ट कर गए हो। म्यूचुअली कंसेंट, म्यूचुअली अलग होने का मतलब तो यही हुआ ना कि हस्बैंड वाइफ म्यूचुअली अलग हो रहे हैं, मतलब क्या? हस्बैंड कह रहा है ठीक है आज के बाद तू अपने घर मैं अपने घर, मेरा खर्चा मैं उठाऊंगा अपना खर्चा तू उठाना, एक तरह से यही तो आप इम्प्लाइडली मान रहे हो ना। तो जब इम्प्लाइडली मान रहे हो फिर अब मेंटेनेंस के लिए क्यों आ रहे हो, ये इसका ग्राउंड है। ठीक है, ये 3 चीजें, ARC, एडल्ट्री, रिफ्यूजेस टू लीव विदाउट सफिशियंट ग्राउंड, और म्यूचुअल कंसेंट से अगर सेपरेट होते हैं तो, ये 3 ग्राउंड है जिसके अंदर मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। उसके अलावा 3 ग्राउंड, अरे यस प्रिया जी, आज आप लेट कैसे हो गए क्लास के अंदर? गुड मॉर्निंग, आज आप लेट कैसे हो गए? लग रहा है मुझे यही करना पड़ेगा रोज सुबह वाली क्लास में, सबको अलार्म लगा के सबको उठाना पड़ेगा, फिर सबको क्लास में लाना पड़ेगा। इट्स ओके बट एक्टिव हो। सी कल तो ऐसे अगर कहा जाए तो मैं भी कल रात को 3:30 बजे सोया हूँ, बट काम है अपना ये। अगर हम नींद को छोड़ के अगर अपने उठ के पढ़ना या पढ़ाना चालू नहीं करेंगे तो अपने आगे बेनिफिट नहीं होगा। और 60 दिन की बात है, सिर्फ गिनती के 60 दिन है जिसमें से 10 दिन तो अपने निकल गए, 50 दिन अगर अपने अभी भी बहुत जी जान से मेहनत कर दें तो JLO तो अपना अभी भी क्लियर है आराम से। कोई बहुत बड़ा JLO में सिलेबस नहीं है, जैसे आप पढ़ रहे हो इसमें कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं कि लग रहा हो कि यार ये पता नहीं क्या बात है, कुछ भी नहीं है, सब सिंपल सिंपल बातें हैं, कानून से इजी कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा एक्टिव होइए। लो भाई अपने दोबारा आते हैं, वाइफ एडल्ट्री में रह रही है, मेंटेनेंस नहीं मिलेगा,
इट्स ओके इट्स ओके, कोई बात नहीं। वाइफ एडल्ट्री में रह रही है, मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। वाइफ बिना किसी सफिशियंट ग्राउंड के मना कर देती है कि मैं तो नहीं रहूंगी, ठीक है, मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। दोनों म्यूचुअल कंसेंट से अलग हो गए हैं, मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। उसके बाद रीमैरिड वाइफ, रीमैरिज, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, दोबारा बता देता हूं कि भाई वाइफ का कंसेप्ट मतलब क्या है। वाइफ का मतलब है वो जो अभी उसकी लीगल वेडेड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ में। वाइफ का मतलब क्या है, जो अभी उसकी पत्नी है, एक तो वो है ही, उसके अलावा भी वाइफ में कौन इंक्लूड होता है। मान लो दोनों में डाइवोर्स हो गया, ठीक है, दोनों में डाइवोर्स हो गया, तो अगर जो ये वाइफ है डाइवोर्स होने के बाद इसने दोबारा शादी नहीं की है, तब तक ये इस पर्सन की वाइफ ही कहलाएगी एज पर सेक्शन 125, ठीक है, सेक्शन 125 के अंदर वाइफ कहलाएगी मेंटेनेंस के पर्पस के लिए। पर अगर इसने शादी कर ली किसी और से, मान लो ये ए है, ये बी है, ये बी पहले इसकी वाइफ थी, ठीक है, बाद में इनमें डाइवोर्स हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, अब क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस तो बी ए के पास ही आएगी कि भैया मैं तेरी पहले वाइफ थी, मेंटेनेंस दे। पर अब मान लो बी जो है वो सी के साथ चली गई, मतलब शादी हो गई, ठीक है, अब यहाँ पे बी सी की वाइफ हो गई है। एज पर लॉ, अगर हम इंडियन लॉ की बात उठाएं, तो कोई भी एक लेडी या एक मैन दो शादियां नहीं कर सकता है। तो अब अगर ये वाइफ होगी, या तो ए की कहलाएगी या सी की कहलाएगी, और जो कि इसने अब सी से शादी कर ली है तो इसकी वाइफ कहलाएगी, यहां से स्टेटस खत्म। तो अगर उसने दोबारा शादी कर ली तो उसका पुराना स्टेटस सारा खत्म, पुरानी हिस्ट्री सारी डिलीट, मेंटेनेंस पुराने वाले से नहीं मिलेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। उसके अलावा अगर वो अपनी राइट्स खुद ही रेलिंक्विश कर देती है, रेलिंक्विश हर राइट्स, रेलिंक्विश का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो भाई अब वुमेन एम्पावरमेंट है, उसको लगा कि अरे यार मैं इससे पैसे लूंगी क्या, एक दो साल बाद तो मैं ही इसको पैसे दे दिया करूंगी, ठीक है, उसने कोर्ट में जाके बोल दिया सर ऐसा है मेरे को इसके साथ रहना नहीं है, और इसको बोलो अपना पैसा रखे अपने पास, 2 साल बाद तो इसका खर्चा मैं ही उठा दिया करूंगी, ठीक है। उसने क्या बोला कोर्ट में, सर आई एम सरेंडरिंग माई राइट्स, कि मेरा मेंटेनेंस का अधिकार बनता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं बनता है, कि मैं कहीं पे फॉल्ट में हूँ, मैं फॉल्ट पे नहीं हूँ, पर मुझे इससे इससे मेंटेनेंस लेनी ही नहीं है, मैं अपना खर्चा खुद चला लूंगी। दैट इज रेलिंक्विशमेंट ऑफ राइट्स, सरेंडर ऑफ राइट्स, ये है। अगर उसने कोर्ट में जाके बोल दिया कि सर मुझे इसके साथ नहीं रहना है और मुझे इससे मेंटेनेंस भी नहीं चाहिए, आई एम सरेंडरिंग इट, वो कोर्ट में लिख के दे देती है कि आई एम रेलिंक्विशिंग माई राइट्स ऑफ मेंटेनेंस, ये लो, तब भी कोर्ट उसको ऑर्डर नहीं करेगी। भैया आप खुद ही अपने अधिकार को अगर वेव कर गए, कोर्ट क्यों इन्वॉल्व होगा। उसके अलावा छठा, इफ शी हैज एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड नहीं सॉरी, रिसीव्ड सम मनी अंडर कस्टमरी और पर्सनल लॉ। ये क्या कहता है, ये कहता है, इसका लीडिंग एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने, मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम मैरिज में क्या होता है भाई, हिंदुओं में तो क्या होता है, लड़के को दहेज दिया जाता है, मुस्लिमों में क्या होता है, लड़की को पैसा मिलता है, शायद उसको मेहर बोलते हैं, है ना। आई एम वेरी बैड विद फैमिली लॉ, तो प्लीज बता देना ना, मुझे बिल्कुल उसमें कुछ नहीं आता है। तो वो लड़की को जो मिलता है शायद मेहर बोलते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, एज पर देयर पर्सनल लॉ, मतलब मुस्लिम लॉ एक पर्सनल लॉ है, उनके हिसाब से उन्होंने वाइफ को एक मुश्त पैसा दे दिया है, ठीक है। अब यहां पे वाइफ और हस्बैंड अगर कल को अलग होते हैं, वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। तो ये छठा ग्राउंड है कि भैया अगर किसी कस्टमरी लॉ, किसी पर्सनल लॉ के अंदर जो वाइफ है उसको पैसा मिल चुका है पहले ही, चाहे वो एज एन उनकी कोई एक तरह से उनका कस्टम था कि भाई वाइफ का मतलब, चाहे उन्होंने एज ए मेंटेनेंस नहीं दिया, पर उनका कस्टम है ऐसा कि वो वाइफ को पैसा देते हैं, और उन्होंने पहले ही पैसा दिया है उस लेडी को, तो अब यहाँ पे मेंटेनेंस कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगा, यहाँ पे मेंटेनेंस कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगा। तो ये 6 ग्राउंड है, इसमें से ये शुरू के 3 ग्राउंड तो 125 में ही है, आखिरी के 3 ग्राउंड 127 में है, हमें कोई लेना देना नहीं है। अंजू फातिमा, हाँ जी हाँ, देखो वो तो पाकिस्तान गई है, मतलब उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो वहां पे तो उन्हीं का केस रहेगा, उनका रहेगा, उन्हीं के कानून लगेंगे,
ठीक है, मतलब रिसेंटली जो, मतलब जनरली होता है, मतलब मुस्लिम लॉ का तो मेरे को एक एग्जांपल बताया, और भी कोई कस्टमरी लॉ होंगे जिसमें ऐसा होता होगा। ठीक है, अब जैसे मुझे थोड़े टाइम पहले पता लगा कि एक अपने राजस्थान में ही एक ट्राइब है, ट्राइब कह सकते हैं उसको, हाँ ट्राइब कह सकते हैं, ऐसे ट्राइब सा ही है, ऑल्दो मतलब नॉट दे आर, वो ज्यादा ट्राइबल एरिया में ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं रहते हैं, वो लोग सिटीज में भी रहते हैं, बट उनके वहां ऐसा कंसेप्ट है कि जब वो शादी करते हैं, मतलब लड़की की जब शादी करते हैं, तो लड़के वाले जो है, जो लड़के वालों का जो परिवार है, वो लड़की वालों के परिवार को पैसा देते हैं। भाई लड़के वालों का जो परिवार है वो लड़की वालों के परिवार को पैसा देते हैं, लड़की को भी नहीं, लड़की के परिवार को, उसके माँ बाप को। अब जब मैंने सुना तो मेरे को तो ऐसा लगा डायरेक्ट सेलिंग, कि भाई कोई मतलब लड़की को बेचना, बट नहीं, वो कहते सर हमारे ऐसा कुछ नहीं होता, बेचने वाला नहीं है, हमारे कस्टम ही चलता है कि हम नहीं देंगे, वो हमारे को पैसा देंगे। अब वो है तो है, ठीक है, अब वो क्या है, वो अपना अपना कंसेप्ट है। हाँ, ऐसी कुछ है वो, ऐसा ही कुछ है। हाँ ये मेरे को थोड़े टाइम पहले पता लगी, मतलब लगभग पहले मेरे को नहीं ऐसे कोई बात पता लगी, लगभग महीना या ऐसा कुछ होगा तब मुझे पता लगी कि ऐसा होता है। मुझे एक बार तो सुन के अचंबा लगा, तो मेरे को तो ऐसा लगा कि वो बेचते हैं, बट जब मैंने उनको ऐसा बोला, तो नहीं सर ऐसा, मैंने कहा बोली जैसे कि तुम बेचने वाला कंसेप्ट है, तब उन्होंने मुझे इन डिटेल बताया, तो मैं समझा कि नहीं ये उनका कस्टम है और काफी पुराना चलता आ रहा है। तो उनके मतलब जो लोग उनके मतलब हैं कि वो लोग अच्छे इस्टेब्लिश्ड हैं, वो लोग भी ये करते हैं, वो कहते सर वो भी करते हैं, चाहे कुछ भी पैसा लेंगे बट लेंगे जरूर। ठीक है, तो ये 6 ग्राउंड्स हैं, अपने को सिर्फ ये ग्राउंड पता होने चाहिए। आपसे वो ग्राउंड पूछेगा, कौन से पूछ सकता है, एडल्ट्री, रिफ्यूजेस टू लिव विदाउट रीजनेबल कॉज, सेपरेटेड बाय म्यूचुअल कंसेंट, रीमैरिड इफ शी हैज रिसीव्ड मनी अंडर कस्टमरी लॉ, रेलिंक्विशमेंट का ऑप्शन नहीं डालेगा क्योंकि उसको पता है कि यार ये तो ऑप्शन बच्चे को पता होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा, इस क्वेश्चन को वो दो तरह से घुमा के पूछ सकता है, एक क्वेश्चन घुमाएगा या तो वो ऐसा लिख देगा, कौन कौन सी कंडीशन है जब मेंटेनेंस नहीं मिलेगी, कोई भी ऑप्शन लिख देगा, कौन कौन सी कंडीशन है जब अगर कोर्ट ने मेंटेनेंस ऑर्डर भी कर दी तब भी मेंटेनेंस कैंसिल हो जाएगी, एक ही बात है भाई, कोर्ट को ये बातें पहले पता लग गई, कोर्ट ऑर्डर ही नहीं करेगा, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया उसके बाद पता लगा कि यार ऐसा कुछ हुआ है। अब जैसे रीमैरिड वाला उठा लो, कोर्ट ने जब ऑर्डर किया तब उस लेडी ने शादी नहीं की हुई थी, मतलब दोबारा शादी नहीं की हुई थी, ऑर्डर के बाद उसने दोबारा शादी कर ली, तब कोर्ट पहले थोड़ी सपोज कर लेगी कि ये दोबारा शादी करेगी इसलिए ऑर्डर नहीं कर रहे, ऐसा थोड़ी होगा, उसने दोबारा शादी कर ली, तो जैसे ही उसने दोबारा शादी की उस दिन से ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, उससे पहले थोड़ी कैंसिल होगा, उससे पहले तो वो मेंटेनेंस ले सकती थी, ले लेगी, जैसे ही शादी हुई उस दिन से ऑर्डर कैंसिल। ये कंसेप्ट है, ग्राउंड्स है, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, ये है 127 का एक जो इम्पोर्टेंट बात है। अभी इसके अंदर एक दो छोटी छोटी और बातें हैं, क्योंकि 127 ऑर्डर कैंसिलेशन की बात तो करता है, उसके अलावा ऑर्डर के वेरिएशन की बात भी करता है कि भाई ऑर्डर कब चेंज हो सकता है, चेंज मतलब अमाउंट कम ज्यादा होना, ये कब हो सकता है। उसके अलावा एक ग्राउंड हो रहा है जो मैंने यहां लिखा नहीं, मेरे भी अभी याद आया, ड्यू टू ऑर्डर ऑफ सिविल कोर्ट, भाई हस्बैंड वाइफ में, सिविल हस्बैंड वाइफ में एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये मत भाई, ये तो चलो ठीक है, जो ग्राउंड हस्बैंड वाइफ को लगेंगे वही लगेंगे, अब जैसे एडल्ट्री हस्बैंड वाइफ में लगेगा, ये हस्बैंड वाइफ में लगेगा, ये हस्बैंड वाइफ में लगेगा, ठीक है, रेलिंक्विशमेंट ये भी हस्बैंड वाइफ में लगेगा, ये तो सारे हस्बैंड वाइफ के ही हैं, ये ले लो, सिविल कोर्ट में इनका कोई मामला चल रहा था ऐसा ही, मेंटेनेंस को लेकर, डैमेजेस को लेकर, वहां पे कोर्ट ने कोई ऐसा डिसीजन दिया कि अगर उस डिसीजन को देखा जाए तो अगर इनको मेंटेनेंस का ऑर्डर मिला हुआ है वो कैंसिल होना चाहिए, सिविल कोर्ट ने बोल दिया कि यार ये लोग तो हस्बैंड वाइफ का स्टेटस ही नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, हस्बैंड और वाइफ दो मान लो एक कपल है, वाइफ कहती है मुझे मेंटेनेंस दो, हस्बैंड कहता है यार मैं मेंटेनेंस किस बात का दूं, तू मेरी वाइफ ही नहीं है, वो कहती है मैंने शादी की है, अब वो मामला कहाँ जाएगा, सिविल कोर्ट में जाएगा ना, क्रिमिनल में थोड़ी जाएगा, सिविल में जाएगा, क्यों, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल का मामला है कि भाई ये आपस में हस्बैंड वाइफ है या नहीं है। अब हुआ ये कि उसने
सिविल कोर्ट में मामला चला रखा है हस्बैंड वाइफ वाला, सीआरपीसी में 125 में आ गई, यहां मेंटेनेंस मांगने, मेंटेनेंस मांगने आ गई। हुआ ये वहां पे सिविल कोर्ट में, कोर्ट ने कह दिया भैया ये हस्बैंड वाइफ ही नहीं है, इनकी शादी लीगल शादी नहीं हुई है, इन्होंने चाहे जो भी है शादी वादी, जो एक लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है शादी की, वो इन्होंने फॉलो नहीं की है, बात खत्म। कोर्ट ने कह दिया हस्बैंड वाइफ ही नहीं है। जब हस्बैंड वाइफ ही नहीं है तब मेंटेनेंस किस बात का? ये एक चीज हुई कि भाई सिविल कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया जिस ऑर्डर के ग्राउंड पे क्रिमिनल कोर्ट को लगा कि यार ऑर्डर कैंसिल होना चाहिए, या ऑर्डर नहीं इश्यू होना चाहिए, या फिर ऑर्डर जो अपने ने पास किया है वो चेंज होना चाहिए। ये भी एक ग्राउंड बनता है, ये भी एक ग्राउंड बनता है। हालांकि पूछता नहीं है, पूछता वो इन्हीं में से है, पर ये भी ग्राउंड है। ठीक है, ये हुआ मेंटेनेंस ऑर्डर कब कैंसिल होता है। जस्ट 10 मिनट्स की और क्लास है, छोटी छोटी एक दो बातें रह गई हैं बस, उसके बाद अपनी क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, मतलब अब जितनी भी एक दो बातें हैं उसमें इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है कि मैं ये बोल दूं आने लायक है, आने लायक कुछ नहीं है, आने लायक सिर्फ इतनी ही बातें थी। आने लायक दोबारा रिपीट कर देता हूं, 125 मेंटेनेंस में से बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, 126 इंपॉर्टेंट बातें हैं, 127 में से सिर्फ ये आने लायक है। अब उसके अलावा जो है वो है कि भाई वो मैं कहता है मेंटेनेंस ऑर्डर कब चेंज हो सकता है, वेरी कब हो सकता है। वेरी में क्या करवाओगे आप, अमाउंट चेंज करवा दोगे, 10,000 मिलती थी 15,000 दिलवा दोगे, 10,000 मिलती थी 5,000 कर दोगे, कब करोगे? अगर दोनों में से किसी भी एक पार्टी की जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाती है, भाई मान लो हस्बैंड वाइफ एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, ये तो बच्चों माता पिता सब में लग सकता है, किसी में लगा दो चाहे। हस्बैंड को कोर्ट ने कहा कि 10,000 रुपये महीने का दोगे, ठीक है भाई साहब, तब हस्बैंड की सैलरी थी 30,000 रुपये। अब रिसेशन आया, हस्बैंड की नौकरी चली गई, अब हस्बैंड 10,000 कहाँ से लाए? सिर्फ सिचुएशन बदल गई, सरकमस्टेंस बदल गई, वो दोबारा कोर्ट में आएगा, एप्लीकेशन डालेगा कि सर जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है उसको चेंज किया जाए, मेरी स्थिति बदल गई है, पहले मेरे पास सैलरी आती थी अब मेरे कुछ नहीं आता है। कोर्ट चेंज कर सकती है, कोर्ट कहेगी यार अब इसके पास खुद के पास ही पैसा नहीं है, ये 10,000 कहाँ करेगा? कोर्ट कम कर देगी, या हो सकता है बिल्कुल ही मना कर देगी कि जब तक ये कुछ कमाने ना लगे तब तक मेंटेनेंस नहीं देगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सेम वाइफ में ले लो, पहले कोर्ट ने कहा वाइफ को कि इसको 10,000 रुपये दो, कोर्ट ने क्या बोला भैया इस वाइफ को 10,000 रुपये दो, ये कहता ठीक है सर दे देंगे, वाइफ आरजेएस लग गई। अब इसको 10,000 रुपये की क्या जरूरत है, अब इसको 10,000 रुपये की क्या जरूरत है? ये हस्बैंड जाएगा कोर्ट में कि सर जब मैंने मेंटेनेंस देता था तब तो चलो ठीक है, इसके पास कोई नौकरी नहीं थी, अब खुद को मेंटेन करने की स्थिति नहीं थी, अब तो नौकरी है सर, अच्छी खासी सैलरी आती है, ठीक है। तो भाई कोर्ट कहेगी सही है भाई, अब तुम्हें 10,000 की क्या जरूरत है? कोर्ट या तो हो सकता है कम कर देगी या बिल्कुल ही खत्म कर देगी, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। ये है 127 का कंसेप्ट, अगर सरकमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं तो क्या इसमें पूछने लायक बात है। सिविल ऑर्डर हम पूछ कर चुके हैं, अब आता है 128 एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। ये क्या है? ये कहता है ऑर्डर कौन एग्जीक्यूट कर सकता है। जो जनरल रूल तो क्या है कि भाई जिस जेएम ने पास किया वो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकता है, जिस जेएम ने पास किया वो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है कर सकता है। उसके अलावा सपोज करते हैं ये ए है जिसको मेंटेनेंस के लिए बोला कोर्ट ने, केस चला कहां पे? जयपुर में। जयपुर कोर्ट ने ए को बोल दिया कि तू अपनी वाइफ को 10,000 रुपये मेंटेनेंस देगा। ए अभी कहाँ रहता है? जयपुर में। उसने कहा ठीक है साहब आपका ऑर्डर देना ही पड़ेगा। ए नौकरी करता था, ए का बाद में ट्रांसफर हो गया उदयपुर, उदयपुर ए को लगा कि यार अब तो अपने इतनी दूर आ गए हैं, अब जयपुर कोर्ट अपना क्या कर लेगी? वाजिब बात है भाई, जयपुर कोर्ट की जब ज्यूरिसडिक्शन नहीं है वो क्या कर लेगी? जयपुर कोर्ट को अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट करना होगा तो वो आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन कैसे करेगी? वो यहाँ की कोर्ट को भेजेगी फिर देखेगी? ऐसा कुछ नहीं है, मेंटेनेंस के ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर इसने उदयपुर में डिफॉल्ट किया तो जयपुर की कोर्ट
उदयपुर की कोर्ट को भेजेगी, उदयपुर की कोर्ट इसको लाएगी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उस एरिया का जिसने ऑर्डर पास किया है वो भी एग्जीक्यूट कर सकता है। एनी मैजिस्ट्रेट विद इन हुज ज्यूरिसडिक्शन पर्सन रिसाइड्स। इस ए ने डिफॉल्ट किया, जयपुर में डिफॉल्ट करता तो चलो जयपुर की कोर्ट ने ही ऑर्डर पास किया था, वो इसके साथ निपट लेती। इसने उदयपुर में डिफॉल्ट किया, उदयपुर की कोर्ट को बात पता लगी, उदयपुर की कोर्ट बुला लेगी इसको। उदयपुर की कोर्ट इसके खिलाफ सेम उसी तरह से मामले को चलाएगी जैसे कि उदयपुर की कोर्ट ने इसको कहा था मेंटेनेंस देने को, और इसने मेंटेनेंस नहीं दिया। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो आपके खिलाफ वही कोर्ट एक्शन लेगी जिसने ऑर्डर पास किया है, नहीं, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। आपके खिलाफ वो मैजिस्ट्रेट मतलब वो कोर्ट भी एक्शन ले सकता है जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में आप रहते हो। उसको पता लगता है आपको मेंटेनेंस देना था किसी को, आप नहीं दे रहे हो, वो बुला लेंगे और आपके खिलाफ प्रॉपर इसी तरीके से चलेंगे जैसे कि उस कोर्ट ने आपको कहा था मेंटेनेंस देने को। ये इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब इतना लिवरेज दिया है, मेंटेनेंस ऑर्डर को एग्जीक्यूशन इतना ईजी किया है कि आप कहीं भी हो आप बच नहीं सकते हो। कोई इसके अंदर कोई एग्जीक्यूशन के अंदर कोई बहुत बड़ी फॉर्मेलिटीज नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ अगर पूछेगा तो सेक्शन नंबर पूछ ले मैक्सिमम कि भाई कौन सा सेक्शन है जो एग्जीक्यूशन की बात करता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आएंगे 125, 126 या 127 का कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर, उससे ज्यादा नहीं जाएगा ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, बेसिक टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आने तो आप ये मानो कि सब मान के चलो आएंगे। और सीआरपीसी के अंदर तो शुरू के जो 250 सेक्शन है, मतलब चार 250 नहीं, शुरू के जो 270 तक जो सेक्शन है उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि तो वो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं वहां से। हाँ देखो, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर का कंसेप्ट ये है भाई। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है कि भाई ऑर्डर कहाँ एग्जीक्यूट हो सकता है, कौन कर सकता है। तो अगर हमसे कोई जनरली पूछे कि यार ऑर्डर कौन एग्जीक्यूट करेगा, तो हम बोल देंगे कि यार जिस कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है वही एग्जीक्यूट करेगा। कोर्ट यही बोलेगी, जयपुर वाली कोर्ट, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, ए जयपुर में रहता था, उसके ऊपर मेंटेनेंस का केस हुआ, जयपुर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया मेंटेनेंस दो, बाद में ए का ट्रांसफर हो गया, उदयपुर चला गया, ए ने वहां पे डिफॉल्ट कर दिया, तो हमारे मन में क्या प्रोसीजर आएगा कि जयपुर की कोर्ट उदयपुर की कोर्ट को भेजेगी, उदयपुर की कोर्ट इसको अरेस्ट करवाएगी या जो भी प्रक्रिया चलाएगी और ए को जयपुर की कोर्ट में भिजवा देगी, वहां पे इसके ऊपर केस चलेगा और वो जयपुर की कोर्ट आगे देख लेगी। यही हम सपोज करेंगे। यहां ऐसा कुछ नहीं, यहां दोनों कोर्ट कर सकती हैं। जयपुर की कोर्ट को लगा हमें एग्जीक्यूशन चालू करवाना है, वो करवा देंगे कि भैया ये ऑर्डर नहीं पे कर रहा है, मेंटेनेंस नहीं पे कर रहा है, ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाओ। उदयपुर की कोर्ट को पता लगता है कि ए हमारे एरिया में एक बंदा है, ए जो आज कल परसों में ही आया है हाल फिलहाल, इसको मेंटेनेंस पे करना है किसी को और ये पे नहीं कर रहा है, उदयपुर की कोर्ट भी एग्जीक्यूट करवा देगी। सेम उसको कोई ऐसा नहीं है कि वो ए को पकड़वाएगी फिर जयपुर की कोर्ट में भेजेगी, जयपुर की कोर्ट एग्जीक्यूट करवाएगी, नहीं, उदयपुर की कोर्ट ए को लाएगी अपने पास और एग्जीक्यूट करवा देगी। ये उदयपुर की कोर्ट भी कर सकती है। तो जिसने ऑर्डर पास किया है वो मैजिस्ट्रेट भी एग्जीक्यूट कर सकता है, वो मैजिस्ट्रेट भी एग्जीक्यूट कर सकता है जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में वो पर्सन रहता है। ये है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर का कंसेप्ट। 128 हमारे लिए सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, क्या है वो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन इसमें इतना बनता नहीं है। ठीक है, ये है मेंटेनेंस, और शाम से अपना चालू हो जाएगा प्रोसीजर, मतलब जो अपनी बेसिक चीजें हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं, शाम से जो है हम प्रोसीजर पे आ जाएंगे भी केस का प्रोसीजर क्या होता है, प्रॉपर एफआईआर, कंप्लेंट, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रक्रिया होता है, फिर कोर्ट के पास जाता है तो कोर्ट में क्या प्रक्रिया होती है, वो सब जो अपने लगभग नहीं तो 3 से 4 दिनों में खत्म कर देंगे। ठीक है, और कुछ जानना है, कुछ पूछना है, वरना क्लास अपनी तरफ से खत्म है। रिकॉर्डिंग्स को देख लेना,
प्रिया जी रिकॉर्डिंग्स देख लेना, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं यहाँ से। जैसे सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस वाला टॉपिक था, उसी तरह से ये टॉपिक है, छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, हिंदी करवानी थी, बट अब हिंदी क्या है, अपने लेट हो जाएंगे, विशेषण आज से अपने को चालू करने थे। तो आपका जो आपने क्लास लेट ज्वाइन किया है, तो आपके पास जो आधा घंटा बचा है उसमें इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। तो सॉरी यहाँ रिकॉर्डिंग तो आपके पास अभी आएगी कहाँ से, बाद में ही देखनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ ये कर लेना, ये बेटर रहेगा। ठीक है, तो अब क्लास खत्म कर दें अपने, शाम को प्रोसीजर लॉ चालू होगा, जितना आपने ने पढ़ा है उसको एक पार्ट लेके चलना, प्रोसीजरल लॉ को भी अपने जितना हो सकेगा सिंपल रखेंगे। ठीक है फिर, थैंक यू, आज की क्लास यहीं खत्म हो रही है।